दिल्ली के मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन लगातार जारी है। G20 शिखर सम्मेलन का तीसरा सेशन शुरू हुआ। G20 सम्मेलन का दूसरा दिन और अंतिम दिन है। तीसरे सेशन में वन फ्यूचर के मुद्दे पर ये बातचीत शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, G20 सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है, आज चर्चा हो रही है। तीसरे सेशन में वन फ्यूचर के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। अब से पहले वन फैमिली को लेकर भी चर्चा हो चुकी है। पूरी दुनिया भर के मुद्दों पर चर्चा यहां पर हुई। G20 शिखर सम्मेलन, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, भारत अध्यक्षता कर रहा है G20 की। तीसरे सेशन में वन फ्यूचर के मुद्दे को लेकर चर्चा होनी है। पूरी दुनिया का भविष्य क्या होगा, भारत का भविष्य क्या होगा, पूरी दुनिया एक साथ कैसे सामंजस्य बैठाकर एक साथ चल सकती है, सभी देश एक साथ कैसे सामंजस्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं, भविष्य की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, इसको लेकर आज बातचीत हो रही है। तीसरे सेशन की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में भारत मंडपम में G20 का शिखर सम्मेलन भव्य आयोजन है। विदेशी मेहमान भारत की धरती पर पधारे हुए हैं, विदेश के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ में इस समय चर्चा हो रही है। फ्यूचर को लेकर चर्चा हो रही है, भविष्य को लेकर चर्चा हो रही है, देश का भविष्य कैसा होना चाहिए। और जो G20 में देश पहुंचे हैं, जो विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, वो अपने देशों को कैसे भारत के साथ जोड़ सकते हैं, इसको लेकर आज चर्चा हो रही है। तीसरा सेशन और अंतिम सेशन। राजकुमार चौधरी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, आज तीसरा सेशन है वन फ्यूचर को लेकर, आज चर्चा, तीसरा सेशन और अंतिम सेशन, जो चर्चा होनी है वो आज ही होनी है, भविष्य को लेकर, देश के भविष्य लेकर, दुनिया के भविष्य को लेकर। देखिए काजल, स्वाभाविक तौर पर एक नई अपडेट ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम के लिए रवाना हो गए हैं अभी थोड़ी देर पहले। भाई सुरक्षा कारणों से उन्हें विधिवत रूप से विदा किया गया और बाकी जो मेहमान हैं जी वो भी इसमें शामिल हैं। और ये जो कल जो आम सहमति बनी है, इसमें 73 मुद्दे थे जिन पर आम 73 प्रस्ताव थे जिन पर एक आम सहमति तमाम जो G20 जो 20 देश हैं उनके बीच बन गई है कि किस तरीके से व्यापारिक तौर पर सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। और एक खास बात ये है कि अब एक जो नई पहल जो शुरू होगी वो ये मान के चलिए कि एक रेल मार्ग से ये सारे जो देश हैं इन्होंने एक सहमति बनाई है कि भाई हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो पश्चिम से पूरब की तरफ, अब पूरब से पश्चिम या पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ कहें कि रेल के ट्रैक से भी चीज़ें जुड़ेंगी। और जिस तरीके से आपने बताया कि एक फ्यूचर, देखिए भविष्य सबका एक है। हाँ, देश तमाम आगे बढ़ रहे हैं, पीढ़ियाँ आगे बढ़ रही हैं, अब हाईटेक चीज़ें हो रही है, सब लोग एक तरह से ये समझिए कि डिजिटल, केवल इंडिया नहीं डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर सामंजस्य बनाया जाए, एक दूसरे के साथ मिलकर किस तरीके से तकनीकों का आदान प्रदान किया जाए, आतंकवाद पे किस तरीके से, क्योंकि आतंकवाद किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। और इसमें बहुत जो महत्वपूर्ण तरीके से जो भारत की जो मेज़बानी रही उसमें एक बात जरूर तय है कि भारत ने एक प्रस्ताव रखा तो एक देश को और स्थायी सदस्य के तौर पर स्वीकृति मिल गई है। तो अगली बार जो कार्यक्रम होगा वो G20 नहीं G21 के तौर पर होगा। मेजबानी कौन करेगा ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। भारत मंडपम में एक मीटिंग चल रही है जो तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर गहन। राजकुमार, मेजबानी कौन करेगा इसी को लेकर एक और सवाल मेरा आपसे होगा, मेजबानी अगली बार मेजबानी कौन सा देश करेगा, लेकिन उस देश के लिए चुनौती भी होगी क्योंकि जैसा भव्य स्वागत इस समय भारत में है, जैसी तैयारी इस समय भारत में है विदेशी मेहमानों के लिए, अगली बार जो भी G20 की अध्यक्षता करेगा उसके लिए चुनौती होगी, उतनी तैयारी करनी होगी या फिर हो सकता है इससे भी भव्य, इससे भी खास तैयारी करनी पड़े। देखिए काजल जी, मैं इसको इस तरीके से देखूंगा। हाँ। कि जो भारत ने एक जो साल है, एक वर्ष में 200 से ज़्यादा जो मीटिंग हुई है 60 से ज़्यादा अलग अलग शहरों में, पूरे मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शायद ही कोई ऐसा प्रदेश बचा हो जिसमें G20 की जो बैठक है, जो नीचे के जो अधिकारी थे उनके बीच में ना बैठी हो, उनके बीच में ना रही हो। अमिताभ कांत ने जिस तरीके से पूरी रणनीति बनाई है, तो ये जो ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट जो आगे जो मेजबानी करेगा उसको मिल गया।
मतलब जो बनी हुई रणनीति है उसको मिल गई, उसे केवल उस ट्रैक पे चलना है। अब उसको और किस तरीके से भव्य, किस तरीके से बेहतर बना लिया जाए, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो लोग हैं, उन्होंने एक बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों किया। क्योंकि जब हम हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो क्या हम ये ब्लूप्रिंट उन्हें देंगे? नहीं। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो, क्योंकि उन्हीं 20 देशों के लोग गए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से भारत मेजबानी कर रहा था, स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में कुछ नई चीज़ें जरूर होंगी, एक्सेस जरूर होंगी, लेकिन चुनौती इसे नहीं माना जाना चाहिए। 4100 करोड़ रुपए इस पूरे जो इवेंट है, इस इवेंट पर खर्च हुए। जब हम इस तरीके का आयोजन करते हैं, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया, तमाम जिन शहरों में जो टीम गई G20 की, उनका वहाँ पे उसी तरीके से इस्तकबाल हुआ, उसी सिस्टम के तहत, क्योंकि एक सिस्टम तो बना हुआ है। तो जो हमारा ब्लूप्रिंट है, जो हमारा जो आयोजन है, उस आयोजन का ब्लूप्रिंट तो निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वो तो बिल्कुल बना बनाया ट्रैक आने वाले मेजबान को मिल गया, उसको किस तरीके से और अच्छा बना लिया जाए। और भारत ने जिस तरीके से इसको नायाब बनाया है, क्योंकि 18 आयोजन इससे पहले भी हुए हैं, ये 19वां आयोजन था, तो 18 साल से लगातार आयोजन होते आ रहे हैं, तो 19वां आयोजन जो है वो यादगार हुआ। लंबी लाइन खींची है और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे देशों में जा जा के रास्ते बनाए, तमाम लोगों को बुलाकर, लेकिन एक मेज़बानी किस तरीके से होनी चाहिए और एक सम्मान किस तरीके से दिया जाना चाहिए, ये बहुत बेहतर हुआ है। और एक बात देखो दर्शकों को अगर दिखाएं हम, तो ये दिल्ली का इस समय का नज़ारा है। इस समय 12:30 बजे हुए हैं, ये वही अक्षरधाम मंदिर है जहाँ पर ऋषि सुनक सुबह अपनी धर्मपत्नी के साथ आए थे। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच ये पूरा जो ट्रैक है, इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था, और ये बहुत एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी शांति उन्हें यहाँ पे आके मिली। और उन्होंने जिस तरीके से प्रभु का इस्तकबाल किया, उनका जो आदर है, आदर सत्कार में जिस तरीके से उन्होंने सर झुकाया, एक बात जरूर तय है कि हिंदुस्तान अब बन रहा है, हिंदुस्तान अब नया हिंदुस्तान बन रहा है। और ये जो आज जो समिट हो रही है, बिल्कुल राजकुमार, बिल्कुल देखिए एक ब्लूप्रिंट जी, बिल्कुल राजकुमार, आप तमाम जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और लगातार नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे।